हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज इन उत्तर प्रदेश के बारे में। तो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद इस पूरे लिस्ट को टॉप टू बॉटम अच्छे से अरेंज किया है, जो आपको चॉइस लेने के बाद काम आएगी। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो में हमने BHU को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और पूरे उत्तर प्रदेश में 8 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है। तो लिस्ट में जो सबसे नंबर 1 पे कॉलेज है वो है स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ। ये 1948 में स्थापित हुआ था। नंबर 2 पे जो है वो राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी, ये 1965 में स्थापित हुआ था। नंबर 3 पे जो कॉलेज है वो है बुंदेलखंड आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी, ये 1934 में स्थापित हुआ था और ये काफी बड़ा है। नंबर 4 पे जो है वो है श्री लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज इंडिया इलाहाबाद। नंबर 5 पे जो है वो है SRM गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरेली, ये 1966 में स्थापित हुआ था। नंबर 6 पे है स्टेट गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बंडा, ये 1955 में स्थापित हुआ था। नंबर 7 पे है स्वामी कल्याण देव गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज मुजफ्फरनगर, ये 1938 में स्थापित हुआ था। ये भी काफी बड़ा और अच्छा कॉलेज है। नंबर 8 पे जो कॉलेज है वो है ललितहारी स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत, और ये 1899 में स्थापित हुआ था। अब हम देखते हैं इन सब कॉलेज का फीस। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 19,000 है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 14,000। ये सारे कॉलेजेस के लिए जितनी मैंने अभी लिस्ट बताया सब में लागू होगा। अब कट ऑफ देखते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है कितनी हाई जा रही है, 580 से 550 तक। OBC 550 से 500 तक, ST कैटेगरी 450 से 350 और ST कैटेगरी 400 से 280 तक, और PWD के लिए कुछ ज़्यादा छूट दिया गया मिलता है और उसके लिए खाली 200 प्लस चाहिए। वो अगर आपका नंबर 200 प्लस आ रहा है तो आप एलिजिबल हैं, नीड तो क्वालिफाई कर लिए हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।